सर एक वृत्तांत बताऊंगा आपको, ये किसी कवि ने गाया है, इसको बहुत प्यारा गाया है, ये उस समय की बात है। कृष्ण कर्ण जी से कहा गया कि कोई पत्र लिखो, प्रेम पत्र लिखो। तो अगर कर्ण थे, महाभारत के एक पात्र थे जो कि बहुत प्रचलित है, किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, तो उनसे जब कहा गया कि ये प्रेम पत्र लिखो, तो उन्होंने कहा किसके लिए लिखे, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्हें कहा गया कि अपने पिताजी के लिए, अगर उन्हें लिखना होता तो वो क्या लिखते। तो उन्होंने कहा, बहुत प्यारी कविता है, दाद दीजिएगा, उन्होंने कहा बहुत मजा आएगा। उन्होंने लिखा, दुनिया का तुम तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान के पिता थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का तुम तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। पाथ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। क्या हुआ, अर्जुन उनसे हारे हुए थे, तो सूर्य भगवान क्या हुआ था, एक समय बादल के ओर पे छिप गए थे, तो उन्होंने कहा पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। अर्जुन की खातिर तुम बादल ओट छुपे थे तुम, क्या बात, अर्जुन की खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, मुरली वाले के कहने पर थोड़ी देर रुके थे तुम। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, और किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे तुम दिन मान हुए, रणभूमि में छल करते हो, कैसे तुम भगवान हुए, छल करते हो, जियो जियो से भगवान हुए। सच में बब्बर सिंह वाला काम, वाह सर, मतलब लाइन सर देख रहे एकदम लाइन, दिल छू गया सर। एक और विश्वास लाइन जो मुझे, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, हाँ घर की थी जिम्मेदारी हकीकत रूठ जाती। यहाँ पे थोड़ा सा भटका हूँ इसके बाद। कोई दीवाना कहता है, कोई आशिक समझता है, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तुम्हारे हाथ की मेहंदी में मेरे नाम का अक्षर, ये मेरी लाइन है, इस पे डाल दीजिएगा, तुम्हारी हाथ की मेहंदी पे मेरे नाम का अक्षर, वो सुंदर सी कहानी है जिसे तुमने छिपाई है, तुम्हारे हाथ में मेहंदी में मेरे नाम का अक्षर, वो सुंदर सी कहानी है जो तुमने छिपाई है। अभी तक डूब, कुमार विश्वास जी का ये लाइन है, अभी तक डूब कर सुनते थे हर किस्सा मोहब्बत का, उस किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ये बच्चे का दर्द कुमार विश्वास जी ने बताया कि एक बच्चा बचपन में, पूरी हमारे यहाँ देश में टीवी वगैरह आती है, उसमें प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी आएगा तो प्रेम, थम्सअप का प्रचार आएगा उसमें भी लव स्टोरी, तो वो लड़का क्या कहता है, बहुत डूब के टीवियां देखा करता था, उसको प्यार हो गया, अब प्यार हुआ तो दो परिवार माने नहीं, ना घर वाला माना ना लड़की घर वाले माने, तो इस दर्द को बयां करता है रोड के किनारे बैठ के, अभी तक डूब कर सुनते थे हर किस्सा मोहब्बत का, किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, किस्से को हकीकत में